दोस्तों ये वीडियो देखकर आप जीत सकते हैं ये। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, आपको स्किप नहीं करना है और मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कैसे जीत सकते हैं आप इसको। काफ़ी पुरानी बात है लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है अभी कि एक बार एक लड़के ने इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछा था, मैंने कुछ पोस्ट किया था ज़िंदगी और पैसे को लेकर, तो वहीं पे उसका कमेंट आया था कि आदमी जो बच्चा होता है वो पढ़ाई करता है तो उसकी सोच यही होती है कि वो आगे चल के बहुत सारा पैसा कमाएगा, उससे सुख सुविधाएँ मिलेंगी, उससे उसका जीवन आसान हो जाएगा और बहुत सारी मस्ती करेगा आगे चल के। तो उसकी बात का मैंने रिप्लाई किया था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था ये जो क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो मैंने उसे बताया था कि आप पढ़ाई अगर इस ध्येय से कर रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा होगा, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप पैसे से खुशियाँ खरीदेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहली बात तो आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई इसलिए मत करिए कि आपको पैसा कमाना है, पढ़ाई आप इसलिए करिए कि आप समाज में एक अच्छे नागरिक बन के निकलें, है ना। पढ़ाई का मतलब ये है कि आप एक समाज में रहने के लिए एक अच्छे परिपक्व ढंग से समाज को समझने के लिए और समाज में कुछ भी करें तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है, पढ़ाई इसलिए है। तो पहला तो उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि पढ़ाई मैं इसलिए कर रहा हूँ। उसके बाद में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसा आप कमाएंगे नहीं तो आज का समाज वो नहीं है जो पुराने टाइम में चल रहा था कि भाई पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोई खाने को दे रहा, कोई पहनने को दे रहा, तो वो तो है नहीं जमाना। अब तो पैसा कमाना ज़रूरी है लेकिन पैसा कमाना सिर्फ एक उद्देश्य हो कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, अब उसके लिए कौन से रास्ते चुनने हैं, भाई बहुत सारा पैसा कमाना है तो उसके लिए हो सकता है गलत रास्ता भी चुनना पड़े आपको, तो उसके परिणाम जो होंगे, अभी तो आपने पकड़ लिया कि भाई चलो ठीक कैसे भी आएगा पैसा आना चाहिए मेरे पास में, लेकिन उसके बाद में जब उसके परिणाम आते हैं, आप कोई समाज में गलत काम करेंगे तो उसके नियम कानून हैं, आप नियम कानून तोड़ेंगे, उसके बाद में आप उसमें फंसेंगे तो उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी लग सकता है, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा ये है कि आप जब गलत काम से पैसे कमाएंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा एक दिन, और जब भुगतेंगे तब वो आपको बहुत कष्टदायी होगा, तब आप सोचेंगे यार कि कम पैसा होता ठीक था लेकिन ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन तब बहुत देर हो गई होगी। दूसरी बात, आदमी की एक बहुत बुरी आदत है, ये बाई बर्थ होती है कि उसका जो है इच्छाएं नहीं भरती उसकी। मान लो कल को तुम एक अच्छी कोई जॉब पा गए या कोई अच्छा बिजनेस आपने किया जहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अभी आप एक ऐसे इंसान थे जिसके पास कुछ नहीं था और अब आपके पास पैसा आया तो आपकी इच्छाएं हुई भाई कि मुझे मकान लेना है, तो आपने पहले शुरुआती अपने जो दौर था उसमें आपने वहीं कहीं भी ये बस मकान आपके दिमाग में था कि मकान लेना है, मुझे मकान बनवाना है, अपना मकान होना चाहिए, वो बनाया आपने। उसके बाद में फिर पैसा और बढ़ा आपके पास में, फिर आपको कार की इच्छा हुई, आपने कार ले ली, छोटी सी कार ली पहले क्योंकि स्टार्टिंग सब ऐसे ही करते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, आप धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा, आपकी फैमिली हुई और फिर आपकी वाइफ या आप लोग बैठ के बात किए जब, तो वहाँ पर बातचीत हुई कि यार ये जो है मोहल्ला ठीक नहीं है, हम लोगों की जो संगत है वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या करते हैं कोई अच्छी जगह पे लेते हैं। अब आप क्या किए, उसकी आपको इच्छाएं वो वाली जो मिल गया आपको ना, तो वो उसकी कदर नहीं आपको है, वो आपके लिए कूड़ा हो गया, आप अगले मकान के लिए फिर से और मेहनत करने लगे और मेहनत करने लगे। इस बीच में आपकी उम्र निकल रही है धीरे धीरे आपको, लेकिन जवानी का टाइम है तो आपको पता नहीं चल पा रहा, आप मस्ती में हैं अपनी और खूब प्रयास करने लगे और फिर जो है आपने कहीं पे और अच्छी जगह पे लिया मकान, तो अब वहाँ पे भी आपको वहाँ पे दिखी यार बड़ी बड़ी कारें लोग ये घूम रहे, मेरे पास भी छोटी कार है, अब तो ये बेइज्जती होगी सोसाइटी में, होता है ये लोग एक दूसरे कंपेरिजन करते हैं और लगता है यार मेरे पास छोटी है तो यार ये तो बेइज्जती की बात है यार, उनके पास बड़ी कार है मैं भी बड़ी कार लूँगा, उसके लिए आप लग गए। और फिर क्या हुआ ना कि आप धीरे धीरे करके अपने ऊपर काम बढ़ा रहे हैं, अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं अपने ऊपर, दुनिया भर की टेंशन अपने ऊपर ले रहे हैं, धीरे धीरे क्या हुआ आप हो गए बीमार।
बीमार हुए और उसके बाद में क्या हुआ, आप पैसा जो कमाए हो सब आपकी बीमारी में लगने लगा। अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे आपकी उम्र हुई, आपके बच्चे बड़े हो गए और आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ने लगे, आपके बच्चे भी आपके नहीं सुन रहे हैं। ये स्थिति आ गई है कि आपके बच्चे भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको बड़ा तकलीफ हो रही है कि यार इतनी ज़िंदगी भर मैंने मेहनत की और ये किया, अब बच्चे भी नहीं सुन रहे मेरी। तो ये होता है, अगर संतुष्टि आपके जीवन में नहीं है तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बेकार हैं। पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हैं जिनसे आपको सुखी होने की अनुभूति होगी, लेकिन खुशियां नहीं खरीद सकते आप। खुशियां खरीदने के लिए आपको अपनी इच्छाएं दबानी पड़ेंगी। आप जितने में हैं उतने में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि भाई मेरे पास में ये कार हो जाए, वो कार हो जाए, लेकिन उसके लिए आप पागल हो जाएं या बीमार हो जाएं तो वो तो बड़ी गलत बात है ना। आप खुद अपने आप से सोचिए। और लोग ये कर रहे हैं, समाज में लोग अपने को दिखाने के चक्कर में बहुत सारे कर्जे ले लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, उसके बाद में बहुत सारी मैंने घटनाएं सुनी हैं कि लोगों ने सुसाइड कर लिया वो दिखाने के चक्कर में सिर्फ समाज को। तो कहने का मतलब ये है बस, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो सब बेकार है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको ये वीडियो देखने पर मिलेगा इनाम, तो हाँ आपने सही सुना था, आपको मिलेगा इनाम, लेकिन आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप गिफ्ट के लिए वीडियो को स्किप किया है तो पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद में मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या मोटिवेशनल लगा है, अगर आपकी बात मुझे अच्छी लगेगी। और आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे तो आप और आपके दोस्त जीत सकते हैं इनाम। दोस्तों, मेरा टारगेट है कि अगर इस पर 500 के व्यूज आते हैं तो उसके बाद में ओपन होगा इनाम। आप अपना नाम और मोटिवेशनल बात कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, मुझे अच्छी लगेगी तो आपको ज़रूर इनाम मिलेगा।